तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ राकेश जी है और गुरदीप जी है और हम बात करने जा रहे हैं आज प्रोटेक्शन मेथड पे। एडवांस एक्शन की ये बेसिक स्टेज है और इस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड कि किसी तरह सीट को, सेल को, एक डेटा को, एक फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो क्लास शुरू कर रहे हैं कुछ सेकेंड्स में, और जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, या फिर सिक्वेंसली वीडियो चाहते हैं तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दें। ये सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। प्रोटेक्शन, मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा है, डेटा को कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। अभी मैं डेटा को इजीली डिलीट कर पा रहा हूं, कुछ भी छेड़छाड़ ना कर पाए, तो हम राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर प्रोटेक्ट शीट, या फिर हम यहां फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेट में प्रोटेक्ट शीट या रिव्यू के अंदर होता है प्रोटेक्ट शीट, इसके अंदर हम जाएंगे, यहां पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, यहां पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट यहां आपको क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यहां कह रहा है कि इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। माइक्रोसॉफ्ट यहां पे आपको साफ साफ बता रहा है कि जो पासवर्ड आप लगा रहे हो वो पासवर्ड रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पासवर्ड लगाते समय ध्यान रखिएगा कि ऐसा पासवर्ड लगाएं जो आप हमेशा याद रख सके। ओके करता हूं, तो क्या पासवर्ड टूटा नहीं जा सकता है? जी हाँ, पासवर्ड तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे आपको एडिंग्स, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, मैंने भी एक नंबर्स पासवर्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन छोटे मोटे पासवर्ड है उसको तोड़ने में एलिजिबल होता है। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो आठ डिजिट, लोअर अपर सब जो होता है ना, उसको तोड़ना क्रिटिकल होता है और बहुत किसी से तो टूटना भी मुश्किल होता है, इसलिए पासवर्ड को याद रखें। हमने पासवर्ड अप्लाई कर दिया, अब मैं कहीं भी किसी भी तरह का टाइपिंग नहीं कर सकता, बट डेटा को देख सकता हूं, समझ सकता हूं और जो करना है हम कर सकते हैं, मतलब कि एडिटिंग करने, कुछ भी टाइप चेंजिंग करने के अलावा, प्रिंट आउट निकालना है, देखना है, सब चीजें कर सकते हैं, सिलेक्शन करना है, कॉपी करना है, ये चीजें कर सकते हैं। अब यह बात आती है कि हम इसको कॉपी करके किसी और लोकेशन में तो नहीं जा सकते है ना, इस तरह से मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा कॉपी भी ना हो, कोई भी मेरा डेटा को कॉपी ना कर सके। अब गुरदीप जी, प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो एक्सेल है एक कॉपी इसका पार्ट नहीं, कॉपी आपका विंडो का पार्ट, तो कॉपी को डिसेबल करना एक्सेल की बस की बात नहीं, तो हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। दूसरा तरीका हमारा यह है कि कॉपी करने के लिए और क्या जरूरत पड़ता है, सिलेक्शन, राइट। बिना सिलेक्ट किए हुए कॉपी की करने का कोई फायदा है? जब तक हम डेटा को सिलेक्ट ना करें तब तक तो कॉपी नहीं कर सकते ना राकेश जी? हाँ, नहीं कर सकते। तो आपने जब प्रोटेक्शन लगाया था, यानी फिर दोबारा मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं यहां से पासवर्ड डाल के, और फिर वापस में यहां पे प्रोटेक्शन पे जाते हैं, तो आप यहां देखिए क्या है, अलाउ ऑल यूजर, यहां पे देखिएगा अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, अलाउ ऑल यूजर वर्कशीट टू, इसमें जो बहुत सारे चेकबॉक्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के बाद हम क्या क्या चीजें यूजर को अलाउ करते हैं। अगर हमने फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड के बाद वो फॉर्मेटिंग कर सकता है, डेटा तो चेंज नहीं कर पाएगा बट डेटा कलर सेलेक्ट कर सकता है, कॉलम कर सकता है, रो कर सकता है, रो डिलीट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, कोई पर्टिकुलर फोटो वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह को ट्रिगर कर सकता है। ओके, तो इसी में दो डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक सेल क्या है, अनलॉक सेल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें समझ में आ रहा है
कि ए जो है फ्लेक्शन का, क्या फ्लेक्शन का, सेल फ्लेक्शन का अलाउंस है, तो हमने इसको अनचेक करके ओके कर दिया। हमने यहां पासवर्ड नहीं डालना, पर आप लोग पासवर्ड डालिएगा, मैं पहले बता दिया कि पासवर्ड भूल जाता हूं, इसलिए पासवर्ड में नहीं डालना। अब कहीं क्लिक कर रहा है, कहीं क्लिक नहीं हो रहा है, न क्लिक होगा तो कॉपी भी नहीं होगा क्या? अगर मान लिया कंट्रोल सी कर भी देते हैं तो एक सिंगल से सिलेक्ट होगा, ब्लैंक है, तो क्या फायदा उससे? तो गुरदीप जी या नागेश जी, समझ में आया एग्जांपल? समझ में आया आप लोगों को? हाँ, एग्जांपल समझ में आ, मतलब जो जो पूरा डाटा फील्ड वाला है उसमें कुछ कर नहीं सकते, मान लीजिए कोई फॉर्मूला लगा है वो भी नहीं देख सकते, कुछ भी अगर कर्सर जाएंगे तो क्या देखेंगे आप? तो इसका मतलब सिर्फ ये प्रिंट करने के लिए और क्या? हाँ, बस प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसका और भी यूज है, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक सिलेक्टेड एरिया, ये सिलेक्टेड एरिया जो मैं अभी कलर किया है, ये एरिया प्रोटेक्शन से बाहर, मतलब कि एंटायर शीट पे मैं कहीं भी टाइप ना कर सकूं, बट इस एरिया पे टाइप कर सकूं, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना होगा और फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन पे जाना होगा। अब देखिए, समझिए, हर एक सेल डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड होती है, लॉक्ड मतलब समझिए उसे पासवर्ड लगा रहता है, प्रॉपर्टी लॉक्ड होती है, राइट? तो इसकी कैसे पता चलता है? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन वाले टाइम में जाएंगे तो लॉक पे क्लिक, लॉक पे क्लिक है तो ये आपका लॉक्ड सेल है, जैसे आपने इसको अनचेक कर दिया ये हो गया अनलॉक्ड सेल, राइट? ओके। तो जिस भी सेल के परफॉर्मेंस सेल के प्रोटेक्शन में, उसकी प्रॉपर्टी में आपने लॉक सेल को अनचेक कर दिया, वो सेल हो गया अनलॉक्ड और बाकी लॉक्ड होता है। तो जब हम पासवर्ड डालते हैं तो ऊपर क्लियर मेंशन है यहां पे, देखिए कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, ठीक है? तो लॉक सेल मतलब क्या हुआ? जिसकी फॉर्मेट पे, फॉर्मेट की प्रोटेक्शन जाएगी, लॉक्ड वाले पे चेकबॉक्स पे चेक है, अनलॉक्ड कौन हुआ? जिसको आपने मेनू हटा दिया, डिफॉल्ट चेक होता है, मैं डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, आपको मेनू ही हटाते हैं तो वो आपका अनलॉक्ड होता है, ओके? तो मैंने यहां से इसको पासवर्ड डाल दिया एंड ओके कर देता हूं। अब मैं यहां पे तो टाइप नहीं कर सकता, बट यहां टाइप कर सकता हूं, ठीक है सर? अब इसमें एक आता है, उसी का उल्टा मुझे करना है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरा ए एरिया जो है वो लॉक्ड हो, बाकी एरिया अनलॉक्ड हो। तो हमने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने बताया था कि डिफॉल्ट फॉर्मेट सेट में प्रोटेक्शन लॉक्ड होता है, राइट? तो मैंने पूरे सेल सी, मैं पूरा सीट जो ये यहां वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल, उस पे क्लिक किया तो पूरा सीट सिलेक्ट हो गया, तो पूरी सीट को मैंने यहां से अनलॉक्ड कर दिया। अभी पासवर्ड डालने के लिए कहीं भी टाइप कर सकता हूं, यहां भी टाइप कर सकता हूं, लेकिन मुझे यहां टाइप नहीं करना है, रेड एरिया में, तो इस रेड एरिया को सिलेक्ट किया और प्रोटेक्ट सेल में गए और यहां पे उसको लॉक्ड कर दिया। तभी क्या हो गया कि रेस्ट ऑफ द रेड एरिया लॉक्ड है और ये आपका अनलॉक्ड है, राइट? देखिए लॉक्ड है, बाकी एरिया आपका क्या है? अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड है। अब मैं यहां पे इसको पासवर्ड डाल दूंगा, अब मैं यहां टाइप कर सकता हूं बट यहां टाइप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब इसका और क्या बेनिफिट है? तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एक छोटा सा डेटा शीट बना रहा हूं, नेम क्वांटिटी एमआरपी, और यहां हमने क्या किया, यहां पे हो जाता है अमाउंट कमीशन जीएसटी एंड टोटल, फिर डेट एंड टाइम, ठीक है? या कुछ और कर लीजिए, फिर डेटा टाइम लिख दिया मैंने, तो क्या है कि अमाउंट जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और कमीशन जो है वो है इसका 2% और जीएसटी जो है अमाउंट का 18%,
समझे? ओके, एंड टोटल इन सबों का सम है। तो ये चार कॉलम जो है ये हमारा फॉर्मूले से आ रहा है, फॉर्मूले से आ रहा है। अब मैं डाटा टाइप करता हूं, क्या लिखता हूं, पूजा क्वांटिटी 20 एमआरपी 30, राइट। तो ये बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट रहता है, फिर मैं एरर करके यहां पे जाता हूं और यहां पे डेट और यहां पे हम टाइम। वन शॉट में डेट कैसे डालते हैं सर आजकल? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल का सेमी कॉलन, ओके। और डेट के लिए कंट्रोल सिर्फ सेमी कॉलन, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको टाइप करने के बाद मुझे यहां से 4 सेकेंड्स का गैप होना पड़ा और यहां पे जाना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है ना, तो मैं यहां से जैसे ही टैब प्रेस करूं, एरो प्रेस करूं, मेरा कर्सर डायरेक्ट जंप हो जाए यहां पे, मतलब मैं इसको सिलेक्ट ही ना करूं, ना चेंज कर पाऊं, ना सिलेक्ट कर पाऊं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरे सीट को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सेल में हमने अनलॉक कर दिया, ओके। और फिर जो फॉर्मूले वाले कॉलम्स थे उन कॉलम को सिलेक्ट करके उसके ऊपर लॉक्ड लगा दिया, राइट सर, ओके। अब इसमें हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करेंगे, बट प्रोटेक्ट शीट करते समय ध्यान रखिएगा मैं सिलेक्ट लॉक सेल हटा दिया। तो लॉक सेल कौन कौन से है, डी ई एफ जी कॉलम है, जो फॉर्मूला कॉलम है वही है ना, बाकी सब तो अनलॉक है मेरा, तो मैंने वहां से इसको अनचेक कर दिया। उसके बाद देखिए यहां मैं लिखता ओम 50 30, अब बस यहां टैब मारूंगा डायरेक्ट कर्सर वहां पे जंप कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि ना मैं इस पे जा सकता हूं, ना इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, ना डिलीट कर सकता हूं, और ना ही इसको इसकी फॉर्मूले को देख सकता हूं, और हर एंट्री में मुझे 4 सेकेंड बच गए। ओके, करेक्ट, पूरे को अनलॉक करके सिर्फ फॉर्मूला वाला को लॉक कर दिया, इतना ही है ना सर? जी जी जी, और फिर पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालते समय हमने लॉक्ड वाले चेकबॉक्स को चेक कर दिया। इसका यूज हम लोग फॉर्म वगैरह में करते हैं, जैसे कि कोई फॉर्म है आपके पास, तो यहां सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कोई फॉर्म है, मान लीजिए यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे सिटी हो गया, और यहाँ पे अमाउंट हो गया, ठीक है। इसको हमने कर्सर दे दिया और हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, लॉक को हटा दिया, अनलॉक कर दिया, राइट क्लिक, प्रोटेक्शंस, और पासवर्ड डाल दिया मैंने। पासवर्ड डालते समय हमने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब कर्सर यहां से यही थी मूव होगा, जैसे यहां पे मैं पूजा लिख के जैसे एंटर मारूंगा तो अगली जहां मुझे लिखना है वहीं पे जाएगा सिटी, ठीक है, ठीक है। इसका यूज करते हैं सर, इसके पहले वाला जो टैब था उस पे जाएंगे। हाँ, अब मान लीजिए कॉलम डी और कॉलम एफ, सिर्फ दो ही कॉलम अगर वो करना है तो जो उतना ही कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, जिसको सिलेक्ट करके आप ऑनलाइन करेंगे ना, क्या बोलते हैं, अनलॉक करेंगे, उसी सेल पे जाएगा। जैसे मैंने अभी नहीं, दो बार करना पड़ेगा क्या, दो क्यों, दो बार क्यों करना पड़ा, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ मैंने एक बार किया कि नहीं किया सर, यहाँ तो अलग अलग कॉलम है ना सर। नहीं, ऐसे तो बहुत सारा कॉलम, मैं मान लीजिए बहुत सारे सीट है, एक मिनट, आपको जितना कॉलम उतना करना ही पड़ेगा ना इस तरह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, गॉड, समझ गए, जितना भी है एप्लीकेबल सब पे होगा एक साथ, मतलब वन बाय वन कर दे, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर दे, वो आपके ऊपर चॉइस होता है, तो जितने को अनलॉक करेंगे उतने वो कर पाएगा, ठीक। और कैसे करना है उसके कई सारे तरीके हैं, आप कंट्रोल करके वन बाय वन जाए या कंट्रोल करके सिलेक्ट कर ले, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि मैं एक ही सीट पे दो या दो से ज्यादा पासवर्ड लगाना चाहता हूं, ओके। मान लीजिए एक सीट है हमारे पास, इसमें दो पर्सन काम करते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी इन दोनों एरिया के अलावा ब्लैंक जो व्हाइट एरिया है उस पर कुछ भी काम ना कर सके, पहले चीज, मतलब कि रेस्ट ऑफ द कलर एरिया हम किसी को नहीं देना चाहते, ये मेरे पास रहेगा। मिस्टर ए पे जो हम पासवर्ड डालेंगे वो मिस्टर बी उसको छेड़छाड़ ना कर सकेंगे, मिस्टर बी मिस्टर ए को छेड़छाड़ ना कर सकेंगे, मिस्टर ए को मिस्टर बी को दोनों को अलग अलग पासवर्ड देंगे, मतलब तीन पासवर्ड क्रिएट होगा, एक मिस्टर ए का पासवर्ड, एक मिस्टर बी का पासवर्ड, एक मेरा पासवर्ड, ठीक है।
कैसे करेंगे, तो इसके लिए रिव्यू में जाना होगा। और यहां देखिए क्या दिख रहा है, अलाउ एडिट रेंज, इस पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, और यहां पे नाम देना है तो नाम दे दीजिए, या रेंज बनाना है तो रेंज बनाने दीजिए। और फिर यहां जो आपको दिख रहा है सेल में, सेल में उस मिस्टर ए का पासवर्ड मैंने एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपने पूरा सीट सिलेक्ट कर दिया तो पूरा सीट पे पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रेंज में हमने यहाँ पे एक अलग पासवर्ड दिया, पासवर्ड कन्फर्म, सॉरी एक मिनट, सॉरी दो हो गया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और पासवर्ड दिया, ओके, पासवर्ड को कन्फर्म किया। फिर वापस न्यू पे गए और यहाँ पे मिस्टर बी है, और यहाँ मिस्टर बी के लिए आएंगे और मिस्टर बी का एरिया सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सी डी ई एफ जो चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड कन्फर्म किया मैंने, अब मिस्टर ए का पासवर्ड, मिस्टर बी का पासवर्ड, राइट, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ओके। तो अभी इस पे ये पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा, ये पासवर्ड अप्लीकेबल कब होगा, जब हम सीट को प्रोटेक्ट, जैसे सीट को हमने पासवर्ड डाल के ओके किया, अब पासवर्ड अप्लीकेबल होगा, मतलब इतने एरिया में हम टाइप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मिस्टर ए के पास टाइप करने जाएंगे, पूछेगा मिस्टर ए का पासवर्ड, हमने मिस्टर ए का पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो मैं मिस्टर ए के ऊपर चेंजिंग कर सकता हूं, बट कब तक, जब तक कि मेरा फाइल रीओपन नहीं होता है। अब मिस्टर ए ने फाइल को सेव या अनसेव किया है, इससे पासवर्ड का कोई लेना देना नहीं है, वो पासवर्ड जैसे रीओपन होगा अगेन पूछेगा। तो पासवर्ड एवरी टाइम जब फाइल रीओपन होगा तो पूछेगा, रीओपन होने के बाद जब टाइप करने जाएगा तब पूछेगा, रीओपन होते ही नहीं पूछेगा। अब मिस्टर बी पे जो अच्छे अच्छा करना चाहेंगे तो मिस्टर बी का अलग पासवर्ड पूछेगा, तो मिस्टर बी ने अपना पासवर्ड डाला तो मिस्टर बी अपना पे काम कर पाएंगे, जैसे ए पे नहीं काम कर पाएंगे। अब इसका यूज हम कहां किए थे पता है सर आपको, एक मैं सिटी फाइनेंशियल में कलेक्शन में था, ठीक है, तो क्या होता था कि मैं कैश काउंट में कैश कलेक्शन मॉनिटर करता था, तो मेरे पास दो टीम का डेटा आता था, तीन दो टीम का, समझे, एक आता एक मेरा टीम था और दो अलग टीम का डेटा था। पहला टीम था जो जो टेलीकॉलिंग करते थे, मतलब कि जिन्होंने कस्टमर से बात किया कि सर आपका चेक चेक बाउंस हो गया है, आप पेमेंट कब कर रहे हैं, तो उसने बोला ठीक है 3 तारीख को या 4 तारीख को पेमेंट करना है, 4 तारीख को पेमेंट लेना है, एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेज दिया इसको टेलीकॉलर, इसको फील्ड टीम को, जो कलेक्शन टीम है फील्ड टीम है उनको, जहां पर उनके बंदे हैं, और बंदर ने क्या किया, उसने कस्टमर से पैसा लिया और हमें जमा किया, और हमारा काउंटर हमें दिया कि भाई हमने इतने से पैसा लिया। अब मुझे तीनों डेटा का मैच करना होता है, टेलीकॉलिंग ने कितने लोगों से, कितने लोगों को बोला पैसा लेना है, फील्ड टीम ने कितने लोगों से लिया और जमा कितने लोगों का हुआ। अब होता क्या था कि जो फील्ड टीम होते थे वो क्या करती थी कि कस्टमर से बात कर लेते थे, जैसे देखते थे कि मान लीजिए मुझे जनकपुरी जाना है, जनकपुरी में एक ही कस्टमर है, और उसने डेटा में देखा कि जनकपुरी में अगर परसों से 4 कस्टमर है, तो क्या करेगा कि आज कस्टमर से बात कर लेगा कि सर आप आज नहीं आऊंगा, आज को दिक्कत हो गई है, आप 4 दिन बाद दीजिएगा, परसों दीजिएगा, तो कस्टमर बोला ठीक है परसों लाकर दीजिएगा, हम तो देने को तैयार है। अब यहाँ पे जो होता है दिक्कत हो जाती थी, अब फील्ड टीम कहता था कि मैं 5 लोगों से पैसा लिया हूँ, टेलीकॉलिंग टीम कहती थी 6 लोगों से पैसा लिया, जमा हमारे पास 5 लोगों का हुआ है, ये प्रॉब्लम हो जाती थी। और वो क्या करते थे, वो अपने फाइल में प्रॉमिस टू पे जो डेट होता था वो चेंज कर देते थे, तो हमें क्या करना होता था, आधा घंटा एक घंटा काम लग जाता था हर बार तीनों डेटा को मैच कर लेगा, और जहां जहां डेट चेंज है उसके लिए मेल करने का कि आपने डेट चेंज किया है, हाँ वो कस्टमर से बात हुई थी, कस्टमर ने मना किया, अब उसमें वो टीम बोलेगी कि आपने हमारे फील्ड टीम को बोलेगी कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया, फिर दोनों के बीच में मेरा मेल शुरू हो जाता था। अब इसलिए कि आप कस्टमर का रूल था, कस्टमर का कंपनी का रूल था कि नहीं जिस दिन कस्टमर बोला उसी दिन पैसा लेना है, क्योंकि 4 दिन बाद हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाए और पैसा उस खर्च हो जाए, इससे पैसा उसी दिन लेना है। तो हमने बोला ठीक है, एक फाइल हमने बनाया और जो जो कॉलम्स इसका इसका था उस कॉलम्स को मैंने लॉक कर दिया और उनको पासवर्ड दे दिया और बोला कि आप लोग पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। फील्ड टीम को पता नहीं होना चाहिए था
कि टेलीकॉलिंग टीम की पासवर्ड क्या है और टेलीकॉलिंग टीम को पता होना चाहिए कि फील्ड टीम का पासवर्ड क्या है, समझ गया ना। अगर उसके बाद भी अगर चेंजिंग होती है तो फिर आपको मेल पे जवाब देना होगा कि आपने क्यों चेंज किया, फिर आपने पासवर्ड क्यों शेयर किया। ठीक है, तो ये चीज वहां पे मुझे बेनिफिट दिया था। ओके, अब बात करते हैं कि सीड, अगर हम सीड को डिलीट कर सकते हैं, राइट। बट सीड डिलीट करना, मैं चाहता हूं सीड को डिलीट ना कर सके मेरा, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक दिख रहा होगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया, तो अब मैं सीड कोई भी डिलीट नहीं, डिलीट क्या किसी भी सीड में किसी तक चेंज, चाहे रिनेम करना हो, डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, कोई भी सीट के अंदर हम चेंजेस, हमने फाइल के स्ट्रक्चर को लॉक कर दिया। लेकिन अभी फाइल को ओपन किया जा सकता है, अब चाहते कि मेरा फाइल ओपन ना हो, अगर फाइल आपने जस्ट क्रिएट किया है, आप सेव एज करने जा रहे हैं, सेव करने जा रहे हैं, तो यहाँ सेव एज करते समय जो सेव के विंडो होता है, जैसे नाम और सेव एज टाइप वगैरह देते हैं, उसी में टूल्स होता है, टूल्स में आपको जनरल ऑप्शन, यहाँ पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं, एक आपका ओपन हुआ, एक आपका मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई पासवर्ड नहीं होगा तो फाइल रीड ओनली भी ओपन होगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल को सेव एज रखना पड़े, क्योंकि एक तो हम नई फाइल पे करेंगे ना सर, जो अभी भी जस्ट क्रिएट किया है, लेकिन कोई पुरानी फाइल है, मैं उसको सेव एज करूंगा तो मेरा सारा लिंक वगैरह खत्म हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इन्फो के ऊपर, इसमें दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसी में आएगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अब इसमें हम पासवर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो इस ओपनिंग फाइल का पासवर्ड होगा, इसमें री ऑल वाला सिस्टम नहीं होगा, जस्ट ओपनिंग फाइल, ओपन करते इसमें पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोटेक्शन की क्लास, अब इसको प्रैक्टिस करें। कल से हम बात करेंगे अगली टॉपिक डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, इस चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होगा टेस्ट, ओके। टेस्ट के बाद फिर हम आगे पिवट टेबल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, वो अभी टॉपिक कवर्ड